जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम अब पब्लिश कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एग्जाम क्राइटेरियाज हैं जिससे कि आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर पाओगे और भारतीय नौसेना में कैडेट एंट्री स्कीम के माध्यम से ऑफिसर बन सकोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल भारतीय नौसेना 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम लेकर आती है और भारत में जितने भी अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 4 ईयर बीटेक डिग्री के लिए आपके एनरोल होने जा रहे हैं, तो वो इस आपके वैकेंसी के माध्यम से अपने सपने को इंडियन नेवी ऑफिसर के रूप में बनने का मौका देख सकते हैं। तो इस बार की जो वैकेंसी है वो 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की है, वो भी परमानेंट कमीशन की है। तो आप सभी को इंडियन नेवी में बीटेक कोर्स करवाया जाएगा, 4 ईयर का कोर्स होता है, ट्रेनिंग भी आपकी चलेगी और आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बन पाओगे। तो ये जो आपकी नोटिफिकेशन आई है वो जनवरी 2025 कोर्स की है और उससे पहले जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट एंट्री है, वो आपके SSB इंटरव्यू को कंडक्ट करवा लिया जाएगा और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला केरल में जाकर अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अच्छी बात तो ये है कि इसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को आपका लिया गया है। रजिस्ट्रेशन की ओपन डेट 6 जुलाई 24 से स्टार्ट होगी और ये 20 जुलाई 24 को आपके एंड हो जाएगी, यानी कि आपको सिर्फ 15 डेज का मौका दिया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन माध्यम से फिल कर सको। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच ऑफ द इंडियन नेवी अपॉन कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स एट INA। तो किस ब्रांच की आपकी वैकेंसी है? एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की है, जिसमें अगर हम इस एंट्री को देखें तो 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम है, कमीशन ऑफिसर परमानेंट कमीशन आपको प्राप्त होगी और लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 6 जुलाई 2024 की है। अब इसी में अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर तो अब आपकी 40 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल आपकी 40 हैं। मेन वेमेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 वैकेंसीज फॉर वेमेन रखी गई है, यानी कि 32 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड रेस्ट ऑफ 8 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? बॉर्न बिटवीन 2nd ऑफ जुलाई 2005 टू 1st ऑफ जैन 2008, ठीक है। अगर आपकी DOB इन दोनों इन DOB के बीच में, इन डेट्स के बीच में लाई करती है तो आप जरूर इसको आप फिल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाई अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक एप्लीकेशन आपका भरेगा। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ब्रांच ए और बी और बोथ, एक के लिए कर लीजिए या फिर दो के कर लीजिए, दोनों के कर लीजिए अच्छा रहेगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर SSB ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। मान लीजिए आपने एग्जीक्यूटिव को किया या फिर टेक्निकल को किया तो उस प्रेफरेंस पे आपको आपका सेलेक्ट किया जाएगा। इफ नॉट शॉर्ट लिस्टेड द फर्स्ट अपीयरेंस यू मे बी कंसिडर्ड फॉर एन अल्टरनेट ब्रांच सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर स्लॉट इन SSB ब्रांचेस ऑफ दैट ब्रांच। वहीं पर जैसे ही आप एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपका SSB इंटरव्यू मेडिकल मेरिट लिस्ट तैयार करवाई जाएगी और अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है तो आप सभी अपने अपने कोर्सेस में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाओगे। तो जो एज क्राइटेरिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी DOB 2nd ऑफ जुलाई 2005 से लेकर 1st ऑफ जैन 2008 के बीच की है, यानी कि अगर आप का जन्म इन तारीखों के बीच होता है या हुआ है तो आप जरूर इस एप्लीकेशन को फिल कर पाओगे। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसको हम क्लास 10+2 कहते हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 70% एग्रीगेट मार्क्स आपका है, साथ ही साथ क्लास 12th में इंग्लिश है और उसमें 50% मार्क्स है, तभी आप इसको आप अप्लाई कर सकोगे। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें JEE मेन 2024 का आपका मांगा गया है, तो JEE मेन 2024 आपका होना चाहिए। तो उसकी रैंकिंग के अनुसार ना ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी इंडियन नेवी आपकी कट ऑफ जारी करेगी। पिछले बार की जो कट ऑफ थी JEE रैंक के नेवी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में 89,716 थी और इंडियन नेवी एजुकेशन में 52,677 थी। मेनली आपको टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव का देखना है तो यही रैंक है, इसी के आगे पीछे आपकी रैंक होगी, उसमें थोड़ा परिवर्तन तो आपका होता ही रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट में आपका
एक हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जारी होगा ना सितंबर ऑनवर्ड से, फिर आपकी जो है सितंबर से ही सितंबर अक्टूबर से एसएसबी इंटरव्यू आपके डिसाइड कर दिए जाएंगे, शेड्यूल कर दिए जाएंगे। एसएसबी आप देखे आइए, एसएसबी में अगर आप पास होते तो आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे, मेडिकल अगर आप पास हो एसएसबी मेडिकल दोनों का मार्क्स मिलाकर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएंगे, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हो तो आप अपने कोर्सेस में जाओगे, अपने ट्रेनिंग को आप कंप्लीट करोगे। एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है तो www.joininnavy.gov.in के वेबसाइट पर जाना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। एप्लीकेशन आपका 6 जुलाई 24 से स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट 20 जुलाई 24 की रख दी गई है। तो इसलिए जैसे ही एप्लीकेशन आपका आएगा अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और लग जाइए पढ़ाई करने में। और आप जानते हो कि ये डायरेक्ट एंट्री है तो इसलिए आपको एसएसबी इंटरव्यू में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग गाइडेंस आपको एसएसबी क्रैक एग्ज़ाम की बेस्ट फैकल्टीज दे पाएंगे। कोर्सेज में एडमिशन आप सभी ले लीजिए, कोर्सेज की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्ज़ाम और बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरी 10 कोड का यूज़ कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू एनडीए सीडीएस एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।